छात्रों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन किशनगढ़ से पहले बीकानेर शैली को पढ़ रहे थे। कुल में अपन अध्याय थर्ड को पढ़ रहे हैं और अध्याय थर्ड है राजस्थानी लघु चित्र शैली। राजस्थानी लघु चित्र शैली में अपन ने चार शैलियों को पढ़ा। उन चार उप शैलियों में कौन कौन सी, किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, मारवाड़ शैली है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, इनको पढ़ रहे थे अपन। लेकिन कुल में राजस्थानी शैली की चार स्कूलें पढ़ी हैं, चार उपशैली पढ़ी हैं और चार उपशैलियों में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो मारवाड़ शैली का तीसरा प्रमुख केंद्र पढ़ रहे हैं अपन। जोधपुर पढ़ा, बीकानेर और किशनगढ़। किशनगढ़ शैली को वैसे अधिकतर स्टूडेंट्स जानते हैं या आप भी जानते होंगे। किशनगढ़ शैली एक स्त्री आकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। स्त्री आकृति चित्रण के लिए इस तरह एक प्रसिद्ध है कि इसके जो स्त्री आकृति चित्र बनाए गए वो इतने सुंदर बनाए गए कि वो अलौकिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। किशनगढ़ की बनी ठनी पेंटिंग प्रसिद्ध है और वो बनी ठनी पेंटिंग जो है वो यहाँ के राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी और वो राजा सावन सिंह की उपपत्नी होने के कारण, वह कृष्ण भक्त होने के कारण वो कृष्ण पदों को भी गाया करती थी और राजा सावन सिंह भी उसके प्रति आसक्त हुए। इन दोनों के प्रेम प्रसंग का भी एक कहानी है। उस कहानी में क्या है कि राजा सावन सिंह की यह उपपत्नी जो बनी ठनी है, वो बनी ठनी जब राजा सावन सिंह गद्दी पर आसीन हुए तो इनकी माँ अपने पियर से इस बनी ठनी नाम की दासी को लेकर आई थी। तो ये बनी ठनी नाम की जो दासी थी वो दासी बहुत ही सुंदर थी और बहुत सुंदर होने के साथ साथ बन ठन कर रहती थी और बन ठन कर रहने के कारण ही उसका नाम बनी ठनी पड़ा था। वैसे सुंदर के साथ साथ बन ठन कर रहती थी और फिर कृष्ण भक्त और थी और कृष्ण पद होने के भक्त होने के साथ साथ कृष्ण पदों को गाया करती थी। तो इतने मीठे स्वर में गाया करती थी कि इतने इसके स्वर को सुनकर यदि इसकी सुंदरता से कोई प्रसन्न नहीं हुआ तो इसके स्वर से और प्रसन्न हो जाया करते थे। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि राजा सावन सिंह के समय एक मोरध्वज नियालचंद नाम का कलाकार था। उस नियालचंद नाम के कलाकार ने राजा सावन सिंह और बनी ठनी को कृष्ण के रूप में तो राजा सावन सिंह को और बनी ठनी को राधा के रूप में बनी ठनी को चित्रित कर दिया और चित्रित किया तो जो उसकी सुंदरता थी साथ में उसके बन ठन कर रहती थी उसके अलावा भी यदि उसकी सुंदरता में कोई कमी रह गई तो उस कलाकार ने पूर्ति कर दी। और कलाकार ने पूर्ति करने के बाद जब वह छवि उतर कर चित्रण तल पर आई तो वह छवि अलौकिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध हुई थी, वह बनी ठनी है। तो उसको अपन पढ़ेंगे। तो किशनगढ़ शैली अन्य उप शैलियों के स्थान पर उनसे कहीं अधिक राजस्थानी लघु चित्रण परंपरा में अपना महत्व रखती है। जिस प्रकार पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली जो स्थान रखती है सुंदर स्त्री सुंदर चित्रण के लिए, उसी प्रकार किशनगढ़ शैली भी छवि अंकन की दृष्टि से सुंदर अलौकिक सौंदर्य के नारी आकृति चित्रण के लिए अपना प्रमुख स्थान रखती है। इस किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने के लिए फयाज अली और एरिक डिक्सन नाम के दो विद्वानों को 1943 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ की जो स्त्री आकृति बनाई गई थी उस स्त्री आकृति की विशेषताओं में लंबी पतली नासिका, पतले अधर, कपोलों पर झूलती बालों की लटें, खंजनाकृत नैन, धनुषाकार भौंएं, लंबी पतली लोचदार हाथों की उंगलियां, पारदर्शी ओढ़नी, इस तरह की विशेषताएं थीं और उन विशेषताओं के आधार पर उस वह स्त्री आकृति विश्व प्रसिद्ध बनी थी। तो अपन सबसे पहले किशनगढ़ शैली को पढ़ते हैं। तो किशनगढ़ शैली का परिचय पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की प्रमुख उप शैली रही है। प्रश्न आ सकता है कि किशनगढ़ शैली कौन सी शैली की उपशैली है, मारवाड़ शैली की। अपने राजस्थानी शैली में चार शैलियाँ हुई हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। ये चार संभाग हैं और इन चार संभागों में छोटी छोटी उपशैलियाँ और विकसित हुई थी। उन उपशैलियों में अपन ने पढ़ा, जैसे मेवाड़ में आपको बताया गया था मेवाड़ शैली में कौन सी शैलियाँ उपशैलियाँ हुई। मेवाड़ शैली में नाथद्वारा शैली हुई, चावंड हुई, गोगुंदा हुई, देवगढ़ हुई। तो देवगढ़ और नाथद्वारा की प्रसिद्ध रही। नाथद्वारा की जो उपशैली है वह उपशैली किस लिए प्रसिद्ध हुई कि वो पिछवे पेंटिंग के लिए हुई। उस मेवाड़ शैली के पढ़ने के बाद अपन दूसरी शैली पढ़ते हैं, राजस्थानी शैली की दूसरी शैली पढ़ते हैं। तो दूसरी शैली में अपन मारवाड़ पढ़ते हैं। मारवाड़ शैली में पढ़ते हैं तो मारवाड़ में कौन कौन सी उपशैलियाँ आती हैं, जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ आती है। तो अपन किशनगढ़ उसका मारवाड़ शैली का ही दूसरा रूप या दूसरा केंद्र पढ़ रहे हैं और वो दूसरा केंद्र क्या है, किशनगढ़ शैली है। तो ये किशनगढ़ शैली किसकी उपशैली रही है, मारवाड़ शैली की उपशैली रही है। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली का जो स्थान है, मैंने अभी आपको बताया कि पहाड़ी कला में
कांगड़ा शैली का जो स्थान है वही राजस्थानी कला में किशनगढ़ शैली का है। किसके लिए? स्त्री आकृतियों के सुंदर चित्रों के लिए। कांगड़ा के चित्रों ने जिस प्रकार नारी छवि का मनोरम अंकन कर अपनी कला को निखारा, ठीक वैसे ही नारी का अनुपम सौंदर्य किशनगढ़ शैली के मेहता नारी चित्रण में निहित है। मतलब नारी किशनगढ़ की जो नारी चित्रण में, वही कांगड़ा के जो नारी चित्रण में वह निहित है, वही विशेषता इसके अंदर दिखाई देती है। माधुर्य एवं भाव वैशिष्ट्य की दृष्टि से है। किसका? किशनगढ़ शैली की नारी आकृतियों का। राधा कृष्ण की मनोरम झांकियां प्रस्तुत करने में किशनगढ़ शैली यहाँ के कलाकार ने कमाल किया है। किशनगढ़ शैली के जो कलाकार हैं उन कलाकारों ने राधा कृष्ण की मनोरम झांकियां प्रस्तुत की हैं अपने चित्रों में, अच्छे सुंदर चित्र बनाए हैं। स्वर्ग को भी विमुख कर देने वाली कल्पना की, मतलब यहाँ जो स्त्री आकृति और पुरुष आकृति कृष्ण और राधा के जो चित्र बनाए उन चित्रों में ऐसी आकृति बनाई जो स्वर्ग को भी विमुख कर देते हैं, अर्थात स्वर्ग में जितनी सुंदर हैं उनसे भी ज़्यादा कहीं सुंदर बनाने की कल्पना की। ऐसी पारदृष्टि किशनगढ़ शैली को मौलिक देन है। जहाँ राधा के रूप में मनमोहिनी नारी आकृति बनी ठनी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। अब बनी ठनी मैंने आपको बताया कौन थी, राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी। आगे चलकर राजा सावन सिंह आएगा और वो राजा सावन सिंह ही के काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहेंगे। चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किशनगढ़ शैली को किसको जाएगा? राजा सावन सिंह को। और राजा सावन सिंह के समय कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध हुई? बनी ठनी। बनी ठनी कौन थी? राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी, प्रसिद्ध है। जो राजस्थानी शैली में नारी आकृति के काव्यपूर्ण भाव सौंदर्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। काव्यपूर्ण, जैसे काव्य में रस आता है ऐसे रस भाव भावाभिव्यक्ति पूर्ण ये आकृति रही है। जो राजस्थानी शैली में नारी आकृति के काव्यपूर्ण भाव सौंदर्य का कि भाव सौंदर्य सर्वोत्तम उदाहरण है। किशनगढ़ राज्य के सभी राजा कला प्रेमी राजा हुए और साथ में कृष्ण भक्त के कारण, मतलब ये राजा यहाँ के जो थे किशनगढ़ शैली के वो सभी कृष्ण भक्त हुए थे और कृष्ण भक्त होने के साथ कला प्रेमी भी थे और कृष्ण भक्त होने के कारण इस राज्य को इतने कृष्ण भक्त थे कि इस राज्य का नाम ही कृष्णगढ़ पड़ गया था। क्या नाम पड़ गया था? कृष्णगढ़ पड़ गया था। और किशनगढ़ की भौगोलिक स्थिति इतनी सुंदर है कि उस सुंदरता और वहाँ का स्थापत्य का जो बसावट है, वो स्थापत्य कला है, वो भी इतनी सुंदर है कि सुंदरता के आधार पर इस किशनगढ़ को क्या कहा गया था कि रूपनगढ़ भी कहा गया था। रूपनगर के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुआ था। किशनगढ़ शैली के चित्रों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को 1943 में दिया जाता है। प्रश्न बनता है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया गया है? एरिक डिक्सन और फयाज अली को। कब दिया गया है? 1943 में दिया गया है। ठीक है भाई, अभी दोबारा रिपीट करते हैं। तो रिपीट में यह है कि किशनगढ़ शैली कौन सी शैली की उपशैली है? मारवाड़ शैली की उपशैली है। किशनगढ़ शैली का नहीं, ये प्रश्न आ सकता है कि राजस्थानी शैली में कौन सी कला शैली वही स्थान रखती है जो स्थान पहाड़ी शैलियों में कांगड़ा शैली अपने नारी चित्रण की दृष्टि से रखती है। तो अपन कौन सा लिखेंगे? किशनगढ़ शैली का अपना स्थान रखती है। ठीक है भाई, अब किशनगढ़ शैली में जो चित्रांकन किया गया है वो चित्रांकन इतना सुंदर किया गया है कि अपन ने यहाँ लिखा है स्वर्ग को भी विमुख कर देने वाली कल्पना कलाकार ने अपनी यहाँ की थी। ऐसी सुंदर स्त्री आकृतियों को यहाँ बनाया गया। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहे किशनगढ़ की स्थापना। अब ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्त को मानने वाले, कृष्ण को आराध्य देव मानने वाले वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र किशनगढ़ रहा और जिस किशनगढ़ की स्थापना राजा किशन सिंह ने की, ये आप ध्यान रखो कि ये अधिकतर अपने राजस्थान में जितने भी शहर हैं, बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों की जो स्थापना की है वो स्थापना करने वाले उसी नाम के राजा थे। जैसे उदयपुर में उदय सिंह ने स्थापना की, जोधपुर की जोधा सिंह ने, राव जोधा सिंह ने स्थापना की, बीकानेर की बीका सिंह ने की, किशनगढ़ की किशन सिंह ने की, है ना, और जयपुर की जय सिंह ने की। तो ये आप को याद रखने की बात है। तो किशनगढ़ की स्थापना किसने की? राजा किशन सिंह ने की और 1609 ईस्वी में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में इसकी स्थापना की। जोधपुर राज्य एवं मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण किशनगढ़ को राजसी वैभव, जोधपुर जो राज्य है वो प्लस मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण किशनगढ़ को राजसी वैभव और कलात्मक जीवन विरासत की देन है। कलात्मक जीवन ये विरासत में ही मिले हैं इसको, किसको? किशनगढ़ शैली को। मारवाड़ शैली की उन्नत शाखा किशनगढ़ शैली
एक सदी उपरांत राजा सावन सिंह के समय यह शैली अपने चरम पर पहुंची। यानी किशनगढ़ शैली किसके समय चरम पर पहुंची? राजा सावन सिंह के समय। अपनी मौलिकता और निजी विशेषताओं के कारण यह शैली राजस्थानी शैलियों में सर्वोपरि स्थान रखती है। मतलब अपनी मौलिकता, अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर यह शैली राजस्थानी शैलियों में अपना प्रमुख स्थान या सर्वोपरि स्थान रखती है। राजा सावन सिंह के समय आराधना के चित्रों में, मतलब जो आराध्य देव थे उनके चित्रों में या भगवान के चित्रों में राधा कृष्ण की आकृतियों में मनमोहिनी छवि, राधा कृष्ण की आकृतियों में मनमोहिनी छवि में राधा के रूप में इनकी उपपत्नी बनी ठनी का चित्रण हुआ। किसका हुआ? राजा सावन सिंह की उपपत्नी बनी ठनी का चित्रांकन हुआ। बनी ठनी राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी। प्रश्न बनता है कि बनी ठनी कौन थी? राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी। और वो बनी ठनी की पेंटिंग क्यों प्रसिद्ध है? अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। मैंने आपको इनकी घटना बताई थी कि इनके दोनों का प्रेम प्रसंग प्रसिद्ध है, कि ये दोनों का प्रेम प्रसंग प्रसिद्ध है। इसमें मैंने आपको बताया था राजा सावन सिंह के राज्यकाल में, जब जैसे राज्यकाल पर बैठा तो इसकी माँ, राजा सावन सिंह की माँ अपने पियर से दहेज में दासी लेके आई थी। वो 10 वर्षीय थी और वो सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ बनठन कर रहती थी, इसलिए उसका नाम क्या था? बनी ठनी था। और वो बनी ठनी के प्रति राजा सावन सिंह आगे चलकर क्या हुए? आसक्त हुए। और आसक्त होने के बाद इसको उसको इसने अपनी प्रियसी या अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और वो बनी ठनी कौन थी? वो कृष्ण भक्त भी थी, कृष्ण पदों को गाया करती थी और मीठा उसका स्वर था, इसलिए भी उसने जो सुंदरता के साथ साथ यह भी एक सुंदरता, यह भी एक गुण लिए हुए थी वो बनी ठनी, जिसका अलौकिक सौंदर्य पूर्ण चित्रण किया गया। कि और किसके द्वारा किया गया? मोरध्वज निहालचंद के द्वारा। कौन सा कलाकार था वो? मोरध्वज निहालचंद, जिसके कारण बनी ठनी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बनी। किसके कारण? एक अलौकिक सौंदर्य के चित्रांकन के कारण। वह सुंदर थी, मधुर उसका मतलब बोली थी उसकी, और मधुर बोली के साथ साथ सुंदर होने के साथ साथ जब कलाकार ने उसका रूप चित्रण किया तो जब उसके कहीं सुंदरता में कोई कमी थी उस कमी को उस कलाकार ने अपने चित्र में पूरा कर दिया। तो पूरा करने के बाद वह कृति ऐसी बन गई जो अलौकिक सौंदर्य पूर्ण बन गई और इसीलिए वो विश्व प्रसिद्ध हुई। अपने कलाकार के विषय में कहा भी जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है? कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँचे कवि। अर्थात कलाकार ऐसी कल्पना कर सकता है कि जो कहीं सृष्टि में कमी है, अधूरापन है, उसे पूरा करने वाला कौन होता है? कलाकार। आपको मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया भी था कि कलाकार ईश्वर का दूसरा रूप है। ईश्वर की बनाई गई जो रचना है, उसकी सृष्टि है, उस सृष्टि में यदि कोई ईश्वर के द्वारा कहीं कमी रह गई है, उस कमी को कलाकार पूरा कर सकता है, अपने चित्रों में रचना करके पूरा करता है। तो अर्थात अपन यहाँ पर वही लाइन पाते हैं कि किशनगढ़ की जो बनी ठनी थी वह पहले ही ईश्वरीय प्रदत्त सुंदर थी। और सुंदरता के विषय में भी मैं तो यूँ कह सकता हूँ कि इतनी सुंदर थी कि उसे जो देखता था वही यूँ कहता था, वारे भगवान कितने दिन फुर्सत में बनाया होगा या कितने दिन की छुट्टियां लेकर बनाया होगा, इतनी सुंदर बताई जाती है उसे, ठीक है। और वो सुंदर के साथ साथ क्या किया कि वो कलाकार ने जैसे उसके बाईं तरफ, जैसे स्त्री आकृतियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए बाईं तरफ तिल होता है, तो वो तिल नहीं था तो उसने कलाकार ने क्या कर दिया? तिल लगा दिया। मान लो उसने पारदर्शी वस्त्र नहीं पहन रखे तो उसने कलाकार ने अपने चित्रों में क्या कर दिया? उस बनी ठनी को पारदर्शी वस्त्र धारण करा दिए। मान लो उसने कहीं अपने वस्त्रों में फूंदे नहीं लगा रखे तो उसने क्या कर दिया? फूंदे लगा दिए। मान लो उसकी लंबी नासिका थी, लंबी नासिका के साथ उसके कपोलों पर बालों की लटें नहीं गिरी थी तो उसने क्या कर दिया? बालों की लटें गिरा दी। तो उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। जैसे किसी एक तो आभूषण रहित अपन स्त्री आकृति को देखें और एक आभूषणों से सुसज्जित स्त्री आकृति को देखें, तो जो आभूषण धारण कर लेती है वो स्त्री, उससे ज़्यादा कहीं सुंदरता बढ़ जाती है उसकी। इस प्रकार उस कलाकार ने अपने उसको, मतलब उसको आभूषणों से, पारदर्शी वस्त्रों से, इनसे सजाने के बाद उसे अलौकिक सौंदर्य पूर्ण बना दिया। कृष्ण ने बना दिया, किसने बना दिया? कलाकार ने बना दिया। कलाकार कौन था? मोरध्वज निहालचंद थे। कृष्ण के रूप में राजा सावन सिंह को चित्रित किया, किसने? कलाकारों ने, जो किशनगढ़ के कलाकार निहालचंद के प्रयासों से विश्व प्रसिद्ध बने। कौन से? ये पेंटिंग, जिसको बनी ठनी पेंटिंग कह सकते हैं। राजा सावन सिंह कृष्ण भक्त था। राजा सावन सिंह क्या था? कृष्ण भक्त था।
और वो कृष्ण पदों को वो भी गाता था, कौन? राजा सावन सिंह। मैंने आपको इसी प्रेम प्रसंग वाले मतलब उसमें कहानी में संदर्भ में बताया था कि राजा सावन सिंह भी कृष्ण भक्त था और कृष्ण भक्त होने के कारण वो कृष्ण के रूप में पद गाता था और बनी ठणी है जो राधा के रूप में पद गाती थी। अब दोनों पद गाते थे तो आमने सामने खड़े थे या आमने सामने बैठकर कृष्ण पद कर रहे थे, तो वो इनके जो प्रिय कलाकार था निहाल चंद, उस निहाल चंद ने इन दोनों को देखकर और राधा के रूप में बनी ठणी को और कृष्ण के रूप में राजा सावन सिंह को उतार दिया और इतना सुंदर उतारा कि अलौकिक सौंदर्य पूर्ण उतारा। तो वह है, इसलिए उसे आगे चलकर भक्त कवि नागिरदास के नाम से भी ख्याति प्राप्त हुई। मतलब ये कृष्ण पद किया करता था, गाया करता था और लिख मतलब पद भी किया करता था, इसीलिए राजा सावन सिंह को आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई? भक्त कवि नागिरदास के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इन्होंने 1723 से 1731 के मध्य नागर समुच्चय, मतलब नागर समुच्चय इनके ग्रंथों का समूह है, उस ग्रंथ की रचना की जिसमें मनोरथ मंदिर, रसिक रत्नावली और बिहारी चंद्रिका नामक ग्रंथों की रचना कर कृष्ण काव्य के वैभव में विशेष योगदान दे दिया। किसने? राजा सावन सिंह ने। मैंने आपको बताया राजा सावन सिंह क्या था? कृष्ण भक्त था। कृष्ण भक्त होने के साथ साथ कृष्ण पदों को गाया करता था और कृष्ण पद गाया करने के कारण या कृष्ण पद किया करने के कारण इसे आगे चलकर भक्त कवि नागिरदास के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। प्रश्न आते हैं, ये इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भक्त कवि नागिरदास के नाम से किसे ख्याति प्राप्त हुई? राजा सावन सिंह को। क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि कृष्ण पद गाया करता था या कृष्ण पद किया करता था। राजा सावन सिंह की बनीठणी के प्रति आसक्ति, अब ये बनीठणी कौन है? इसकी उपपत्नी और ये दासी थी इसके शासनकाल में पहले, अब ये क्या है? इसके प्रति आसक्ति हो गई इसकी और कृष्ण प्रेम के कारण, और इसको कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण से अगाट प्रेम हो गया और राजकाज से विरक्ति हो गई, इसलिए इसको क्या हो गई? राजा सावन सिंह को राजकाज से विरक्ति हो गई, राजकाज में इसको इंटरेस्ट या रुचि नहीं रही और अपनी प्रियसी के साथ और आगे चलकर क्या हुआ? अपनी प्रियसी कौन? बनी ठनी उपपत्नी के साथ राधा माधव लीला स्थली, राधा माधव लीला स्थली कौन सा स्थान है? वृंदावन चले गए। कौन चले गए? राजा सावन सिंह। किसके साथ? अपनी प्रियसी। प्रियसी कौन? बनी ठनी के साथ चले गए, जहां 1763 में बनी ठनी और 1764 में राजा सावन सिंह देवलोक चले गए, मतलब देवलोक गमन हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज भी इन दोनों की समाधियां एक दूसरे के आमने सामने बनी हुई है, दूसरे के सामने या समीप बनी हुई है। किशनगढ़ में राजा सावन सिंह के बाद के जो शासक बैठे उन शासकों में बहादुर सिंह, कल्याण सिंह के समय कला का विकास चलता रहा। बहादुर सिंह और कल्याण सिंह के समय तक क्या चलता रहा? कला का विकास चलता रहा। किसके बाद? राजा सावन सिंह के बाद। इनके शासनकाल में जो कलाकार थे किनके में? बहादुर सिंह के और कल्याण सिंह के समय में सीताराम था, बदन सिंह था, नानक राम था, रामनाथ, सवाईराम, लाडलीदास प्रमुख कलाकार थे। 1820 में लाडलीदास के द्वारा चित्रित गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव की कृति है, गीत गोविंद की प्रति उस समय के कला वैभव को व्यक्त करती है। 1820 में लाडलीदास के द्वारा कौन से चित्र? गीत गोविंद के चित्र बनाए गए जो कौन से वैभव को व्यक्त करते हैं? और 18वीं सदी के वैभव को, किशनगढ़ शैली के वैभव को अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद किशनगढ़ शैली 19वीं सदी के अंत तक पतनोन्मुख हो गई अर्थात अंग्रेजी प्रभाव या पाश्चात्य प्रभाव आ गया और ये अपतन की ओर मुड़ गई। आगे अपन इस किशनगढ़ शैली को पढ़ने के बाद किशनगढ़ शैली की विशेषता पढ़ते हैं। अपन ने किशनगढ़ शैली में मुख्य मुख्य बिंदु पढ़े, बिंदुओं में सबसे पहले मुख्य बिंदु में क्या पढ़ा बच्चों? अपन ने ये पढ़ा कि किशनगढ़ शैली कौन सी शैली की उपशैली है। सबसे पहले तो अपन इसके परिचय में, भौगोलिक परिचय में देते हैं। तो किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली है और वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख केंद्र था, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ के राजा अधिकतर क्या हुए? कला प्रेमी हुए। उन कला प्रेमी राजाओं में राजा सावन सिंह का कला प्रेम है जो किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाता है, यानी उसके स्वर्ण काल कहा जा सकता है। राजा सावन सिंह का प्रेम प्रसंग इस कला शैली में प्रमुख स्थान रखता है, जिसने प्रेम प्रसंग में क्या है? राजा सावन सिंह का बनी ठनी के प्रति आसक्त होना। बनी ठनी कौन? आगे चलकर इसकी प्रियसी बनी और वो उपपत्नी के रूप में कहलाई।
है ना, बनी ठनी अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हुई। इनके प्रमुख कलाकार कौन था? मोरध्वज नियालचंद था। उस नियालचंद ने क्या किया था राजा सावन सिंह को? तो कृष्ण के रूप में और बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित कर अलौकिक सौंदर्यपूर्ण छवि का अंकन कर दिया, और ऐसी छवि का अंकन किया कि स्वर्ग में भी मात करने वाली छवियों का अंकन कर दिया। इसीलिए अपन ने पहले फर्स्ट में जो परिचय दिया उस परिचय में यही बताया था कि कांगड़ा शैली को जो स्थान प्राप्त है वही स्थान अपनी राजस्थानी लघु चित्रण शैली में किशनगढ़ शैली को प्राप्त है। अब अपन पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता। अब विशेषताओं में यही पढ़ते हैं कि अपन जो जोधपुर शैली इसकी प्रमुख शैली पढ़ते आ रहे हैं जोधपुर शैली, उस जोधपुर शैली में स्त्री पुरुष आकृति पढ़ी अपन ने किशनगढ़ शैली, उसके बाद अपन ने बीकानेर में पढ़ा, तो इसमें लंबे छरहरे बदन वाली पुरुष आकृतियों को और स्त्री आकृतियों को पढ़ा, इसमें पारदर्शी ओढ़नी वगैरह को पढ़ा, लहंगा पढ़ा और कसी हुई कैंचुल कंचुल कंचुकी पढ़ा, लंबी ठोड़ी पढ़ी, इस तरह की। तो ये इसकी विशेषता आएंगी आकृतियों की। इसके रंगों में क्या है? मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया था, भावपूर्ण चित्र बनाया गया था, काव्यपूर्ण चित्रांकन किया गया था, इसीलिए किशनगढ़ शैली विख्यात रही है। तो किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले अपन जैसे पढ़ते हैं आकृति, आकृति में दो आकृति पढ़ते हैं, एक तो पुरुष आकृति और एक स्त्री आकृति। तो सबसे पहले किशनगढ़ शैली में पुरुष आकृतियों में लंबी पतली छरहरी, मैंने आपको बताया लंबा पतला छरहरा, नीलवर्णी काया युक्त जटा जूट की भांति ऊपर उठी मोतियों से सुसज्जित श्वेत मूंगिया पगड़ी, ठीक है भाई, और समुन्नत ललाट, मतलब ललाट का मतलब होता है पटपड़ा जिसको फॉरहेड कहते हैं, लंबी नासिका, मधुर स्मित युक्त रहे हैं, हिंगुली पतले अधर और खंजनाकृत, और खंजनाकृत ये दोनों एक हैं, बाकी गैप आ गया इसमें, खंजनाकृत कर्णवत खिंचे अरुणाभ, नुकीली चिब्बुक मतलब ठोड़ी है जो नोकदार है आगे निकली हुई है, पतली भुजाएं, पतली सुकुमार उंगलियां, उंगलियों से युक्त मनोरम कृष्ण काय बदन पर झूलते मोहम्मद साई पारदर्शी जामे में अति सुंदर चित्र किए गए हैं। पुरुष आकृतियों को ऐसा बनाया गया है। स्त्री आकृति, अब नारी आकृति में अगर आपके याद नहीं रहे तो नारी आकृति में आप तो अपने बनी ठनी पेंटिंग को देख लो, और बनी ठनी पेंटिंग में क्या है, लंबी पतली सुक जैसी नासिका है, पतले अधर हैं कपोल, अर्थात कपोल हैं जो क्या है, पतले हैं, और गालों पर एक झूलती हुई बालों की लटें हैं, और उसके बाद पारदर्शी ओढ़नी है, और पतली लंबी हाथों की उंगलियां बनाई गई हैं जो लोचदार उंगली बनाई गई, इस तरह की स्त्री आकृति की विशेषता रही। जैसे अब पढ़ते हैं अपन नारी आकृति अंकन में, नारी सुलभ लावण्य युक्त, नारी सुलभ नारी की जैसी लावण्य युक्त सुंदरता, लावण्य का तात्पर्य होता है सौंदर्य, सुंदरतापूर्ण युक्त सौंदर्य में गौरवर्ण वाली स्त्री आकृति को बनाया, बांके काजल युक्त विशाल मोहक नैन, कपोलों तक आच्छादित पलकें, अर्ध विकसित किंतु उन्नत खिंचा हुआ वक्षस्थल, लहंगा कंचुकी यानी कंचुकी चोली और पारदर्शी ओढ़नी से युक्त आभूषणों से सुसज्जित स्त्री आकृतियों को बनाया गया, जो काव्य कल्पित सौंदर्य युक्त स्त्री आकृति बनाई गई थी। तीसरी विशेषता आती है प्रकृति चित्रण। अब प्रकृति चित्रण में मैं आपको मौखिक रूप से जब बता रहा था उसमें मौखिक रूप में बताया कि किशनगढ़ का प्राकृतिक वातावरण देखने पर ही सुंदर है। अब निश्चित है कि जो कलाकार जिस कलाकृति का जो कलाकार कृतियों का निर्माण करता है तो जो कलाकार जहाँ रहता है उस रहने वाले स्थान का उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित है कला शैली पर वहाँ के एनवायरनमेंट का प्रभाव, वहाँ के वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। यूँ कहते हैं अजमेर के पास जो किशनगढ़ है वो किशनगढ़ इतना सुंदर है कि वहाँ होकर गुजरने वाले लोग एक बार रुककर देखने का प्रयास करते हैं, इतना सुंदर है ये, स्थापत्य की दृष्टि से बसावट की दृष्टि से भी इतना सुंदर है, जिसका प्रभाव निश्चित है यहाँ की कला पर पड़ा। मैंने आपको मौखिक रूप से इसमें लिखाया भी है कि उस सुंदरता के कारण इसका नाम रूपनगढ़ी पड़ा था। तो अपन पढ़ते हैं जैसे प्राकृतिक किशनगढ़ शैली के प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप झीलों, मतलब यहाँ झीलें हैं, पहाड़ों, उपवन है एवं विभिन्न पशु पक्षियों का अंकन किया गया है, मतलब यहाँ के प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप ही किया गया है, जैसा वहाँ का प्राकृतिक परिवेश अच्छा सुंदर है वैसा ही, जिनमें कमल पुष्पों से आच्छादित सरोवरों में जल क्रीड़ा करते जल मुर्गे,
जल मुर्गे होते हैं, बतखों बतख होती हैं, सारस तैरती नौकाओं में प्रेम लीला करती राधा कृष्ण का अनोखा चित्रण किया गया है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा सुंदर होने के कारण तथा वास्तु में ऊंची अट्टालिका लिए हुए कुंजों से झांकते श्वेत मुंडेर, मुंडेर ऊपर होती है जिसका जो छत के ऊपर होती है चारों तरफ बाउंड्री, उसे मुंडेर कहते हैं। फंवारे बाहर लगे होते हैं, जो आंगन होता है उस आंगन में फंवारे। कदली वृक्ष यानी केले के वृक्ष, चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ा का सुखद अंकन किया गया है यहाँ के प्राकृतिक परिवेश में। विषय वस्तु, विषय वस्तु में दो तीन बार या जितनी भी बार अपन राजस्थानी शैली और राजस्थानी शैली की उपशैली पढ़ रहे हैं उनमें बार बार बताता आ रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपके कोई भी चीज़ याद नहीं रहे तो अपने यहाँ क्या करना है कि कोई सी भी राजस्थानी शैली आए उस राजस्थानी शैली में अपन को लिखना है कि कृष्ण भक्त यानी राजा थे और राजा कृष्ण भक्त होने के कारण कृष्ण भक्ति के भक्तिपूर्ण चित्रों का यहाँ चित्रण किया गया है, या कृष्ण के जितने भी ग्रंथ हैं कृष्ण से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनका चित्रांकन किया गया है, जैसे भागवत पुराण है, गीत गोविंद है, रसिक प्रिया है, इस तरह के इनके चित्रांकन किया गया है। तो अपन चित्रण विषय वस्तु में पढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली में विषय वस्तु के रूप में राधा कृष्ण के लीला भाव के चित्र, रीतिकालीन साहित्यों में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, नागर समुच्चय जो राजा सावन सिंह के द्वारा रचना की गई थी उन रचनाओं को नागर समुच्चय के नाम से जाना गया था, अधिक चित्रण हुआ है। इनके अलावा नायिका भेद, नौका विहार और प्रकृति का विराट अंकन किया गया है। अन्य शैलियों की भांति शिकार के दृश्य, उत्सव एवं दरबारी विषयों का और सभ्य चित्र, सभ्य चित्र होता है व्यक्ति चित्र जो मुगल शैली में बने थे, अंतःपुर के चित्र, नायक नायिका भेद के चित्र अधिक बनाए गए। ठीक है भाई, इसके बाद आता है पांचवी विशेषता भाव। तो पांचवी विशेषता में क्या आएगा, भाव। भाव अर्थात किशनगढ़ शैली में किस तरह के भाव लिए हुए स्त्री आकृति पुरुष आकृति बनाए गए। किशनगढ़ शैली धार्मिक जीवन की सात्विकता एवं भौतिक जीवन की चारुता के राग रंग का समायोजित भाव सौंदर्य का पर्याय है। यहाँ पर इस तरह के सौंदर्यपूर्ण चित्रों को बनाया गया जो इसकी मौलिक विशेषता रही है। छठी विशेषता है रंग। रंग में मैंने आपको मौखिक रूप से बताया था कि मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। वैसे राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताओं में चटक और दार चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। राधा कृष्ण का भाव में ही काव्यात्मक चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता रही है। नर नारी के अंग प्रत्यंगों का अलौकिक अंकन हुआ है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार मोरध्वज निहालचंद, सीताराम, बदन सिंह, रामनाथ, नानक राम, सवाई राम, अमरू, लाडलीदास, सूरजमल आदि इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। कौन सी शैली के, किशनगढ़ शैली के। तो किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख मुख्य बिंदु आते हैं उन मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले अपन यही याद रखेंगे किशनगढ़ शैली कौन सी शैली की उपशैली है, मारवाड़ शैली की। किशनगढ़ शैली क्यों प्रसिद्ध रही, नारी चित्रण की दृष्टि से अलौकिक सौंदर्यपूर्ण नारी चित्रांकन किया गया। किशनगढ़ शैली की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है, बनी ठेनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। बनी ठेनी पेंटिंग क्यों प्रसिद्ध हुई, अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण। बनी ठेनी कौन थी, राजा सावन सिंह की पत्नी थी। राजा सावन सिंह को आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी, भक्त कवि नागरदास के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। भक्त कवि नागरदास के नाम से मान लो पूछ लिया जाए क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो कृष्ण पद गाया करता था या कृष्ण पद किया करता था और कृष्ण भक्त था। इसलिए राजा सावन सिंह आगे चलकर अपनी प्रियसी के प्रति आसक्त होकर कहाँ चले गए थे, राधा गोविंद या राधा गोविंद के जो लीला स्थली है वृंदावन, वहाँ चले गए थे और वृंदावन जाकर अपना जीवन जीने लगे। लेकिन 63 और 64 में दोनों ही देवलोक को गमन हो गए और देवलोक को गमन होने के बाद में भी वहाँ जो दोनों की समाधि बनाई गई है वो समाधियों को कहाँ बनाया गया है, दोनों को समीप बनाया गया है। ठीक है भाई, अपन अब कृष्ण ये पढ़ते हैं कि किशनगढ़ शैली की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है, बनी ठनी। तो बनी ठनी का आएगा फिर और बनी ठनी में अपन बनी ठनी का वर्णन करेंगे कि कौन कौन से किस तरह की रही। बनी ठनी में बताया आपको लंबी पतली नासिका, पतले अधर और गालों पर झूलती हुई पतली बालों की लटें, पतले अधर और उसके बाद पारदर्शी ओढ़नी, हाथों में लोचदार पतली उंगलियाँ बनाई गई हैं। इस प्रकार बनी ठनी पेंटिंग को पढ़ने के बाद अपन आज के किशनगढ़ शैली को समाप्त करते हैं। आगे इसके बाद में अपन कौन सी हाड़ौती शैली को पढ़ेंगे। धन्यवाद।